जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। आज हम बात करेंगे कि सोते वक्त हमें किस दिशा में पैर होना चाहिए और आपकी राशि के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आप सोते वक्त अपने पैर सही दिशा में रखते हैं तो मुझे यकीन है कि कई बार हमारी सफलता और असफलता और कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमारे लिए हो सकती है। क्योंकि देखिए, हम 8 घंटे जब सोते हैं तो ये हमारा एनर्जी चार्जिंग का टाइम होता है, मतलब एनर्जी जो हमारी चार्ज होती है। और अगर इस एनर्जी चार्ज के टाइम ही अगर हम सही दिशा में नहीं सोते हैं या सही तरीके से नहीं सोते हैं तो वो एनर्जी सही तरीके से चार्ज नहीं हो पाएगी और जो एनर्जी है उसकी खपत ज़्यादा होगी और चार्ज कम होगा और फिर हम नेगेटिव वे में जाते हैं, जीवन में कई सारी परेशानियों में हम उलझ जाते हैं और हम दिन भर दिन नेगेटिव नेगेटिव होते जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए दिशाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इस जीवन में हमारे। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये जानने के बाद मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सी समस्या खत्म हो जाएगी। बस शर्त ये, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझें, आपके लिए फ़ायदा होगा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में एक छोटी सी राय लिखें, ओम नमः शिवाय। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, अपॉइंटमेंट लें और फिर बात करें। अब हम पहली मुख्य बात पे बात करते हैं। हर एक जातक, ज़्यादातर हम जैसे सामान्य वे में सोते हैं तो जो पुरानी मान्यता है हमारे घर में, बुजुर्ग हमें बताते हैं कि आप इस तरह से सोएं, इस तरह से सोएं, हर एक इलाके में एक अलग अलग मान्यता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पर जो रियलिटी जो है कि भाई हमें कई बार दक्षिण में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, जैसे आमतौर पर हम ये बात सुनते भी हैं और ये बात बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। कोशिश करें कि हम पूर्व की दिशा में अपना सिर रखें और पश्चिम में पैर रखें, पूर्व पश्चिम का जो है उस तरह से सोएं। अब ये बात तो एक सामान्य वे में, लेकिन इसके इतर एक बात है कि हर एक कुंडली में हर एक व्यक्ति की अलग अलग राशि, अलग अलग दिशा पॉजिटिविटी में होती है। तो आप कोशिश करें खुद, क्योंकि अपनी या तो कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे ज्योतिषी से अपने आसपास करवा लें और वो आपके लिए पॉजिटिव हो, या आप स्वयं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर सकते हैं। आप 8 दिन पूर्व में सोए, 8 दिन पश्चिम में सोए, 8 दिन दक्षिण में सोए, 8 दिन इधर सोए, चारों में दिशा में सोए, फिर आप खुद एनालिसिस करें कि इन 8 दिनों मेरे जीवन में क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ और किस दिशा में मुझे ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आप उस तरह से अपनी दिशा का चयन कर सकते खुद के अनुभव के आधार पर। पहली बात हुई। दूसरी बात है कि अगर मान लो चलो ये अनुभव नहीं, पर मैं अगर आपको सजेशन दूं कि चलो ठीक है, ये अनुभव आपके लिए 1 महीना वक्त देना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप पूर्व में सिर रखें, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होता है और उसको सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है। पूर्व में सिर रखें और पश्चिम में पैर रखें, ये सबसे बेस्ट होगा। कोशिश करें दक्षिण दिशा से जितना हो सके बचें, दक्षिण में सिर न रखें और आप बचें, उससे भी बचें। अब ये तो हम इस तरह से चीज़ें जान सकते हैं कि हम किस दिशा में सो सकते हैं या किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम जिस कमरे में जिस सोते हैं तो वो जगह भी बदल देगी। कई सालों से अगर आप इसी मूवमेंट में सो रहे हैं, इसी जगह इसी कोने में सो रहे हैं, वहाँ से आप पलंग का मूवमेंट चेंज कर ले या जगह बदल ले, कमरा बदल ले, अगर आपके पास ये अफोर्ड आप कर पाए तो ये ज़रूर करें। इससे भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं और सोते वक्त मन में कोई ख्याल ना आने दें, ओम नमः शिवाय का जाप करें।